तो दोस्तों अभी मैं कुछ इस तरह की लोकेशन में पहुंच चुका हूं और कुछ इस तरह के नज़ारे हैं जो कि आप देख सकते हैं। और अगर आप मोमो खाने के शौकीन हैं तो भाई आपको यहाँ पे डेफिनेटली आना ही चाहिए। हे गाइस, कम ऑन ट्रैवलर्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नई नई वीडियोस की जानकारी आप सबको मिलती रहे। हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। तो आज डेट है 2 अगस्त 2023 और इस समय जो कि टाइम हो रहा है रात के 10 बज रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे मोबाइल में। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं आपको बताऊँ कि अभी मैं जीवल गुमट वाली साइड हूँ और मैं आज साइकिल पे हूँ। भाई आज मैं साइकिलिंग करने निकला हूँ और बाकी इस समय अपडेट ये है साइकिल की कि जो एक्चुअली साइकिल मेरा कब से ले हुआ है, एक्चुअली इसमें हवा निकल गई है। आप देख पा रहे होंगे हवा इसमें नहीं है, ठीक है, और पीछे वाला थोड़ा सा ठीक है। तो सबसे पहले मैं हवा डलवाने जा रहा हूँ। तो यहाँ से जो नीचे वाले पेट्रोल पंप पे जाना है यहाँ से हवा डलवाएंगे। बाकी आप ये देखिए, अभी मैं पैदल ही जा रहा हूँ। और बाकी डेली व्लॉगिंग भाई बहुत ज़रूरी भी है और मुश्किल बहुत है कि कोई रोज़ रोज़ क्या कंटेंट डालें, पर एनीवेज हमें कुछ करना है भाई, तो इसलिए बाहर निकले हैं। तो बाकी चलते हैं। तो अभी इस तरह के कुछ नज़ारे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये है पेट्रोल पंप और यहाँ से अभी हम हवा डलवाएंगे, पेट्रोल नहीं डलवाएंगे, हवा डलवाएंगे। तो चलते हैं। तो जी पहुँच गए हैं पेट्रोल पंप पे और कुछ इस तरह से, एक्चुअली जो यहाँ पे इस समय कोई होता नहीं है और पाइप ढूंढनी पड़ेगी, सब इसको नीचे कर दिया है, अब पाइप लेनी पड़ेगी यार। इसमें हवा होनी चाहिए, हवा होगी वैसे। ये रही पाइप और चलो हवा भरें अभी। वैसे आपको पता है काम सारे आने चाहिए और भाई काम खुद भी कर रहे हैं, बाकी ये देखो हवा भर रहे हैं। चलो हवा भरे पहले इसमें, ये हो जा। भर गई। भरी तो है थोड़ी, और पहले चेक करते हैं इसको और पीछे वाला भी है। पहले मैं थोड़ी हवा भर लेता हूँ, फिर आपके साथ मिलता हूँ, है ना, फिर बताता हूँ क्या अपडेट है। यहाँ पे अभी मैंने हवा भर ली है पर अभी देखना पड़ेगा क्या मसला है, तो अभी पहले देखते हैं। तो दोस्तों हवा ठीक है आगे वाले में, पर पीछे वाले में थोड़ी सी हवा ज़्यादा हो गई है। पहले उसको थोड़ी सी हवा कम करूँगा तो फिर यहाँ से निकलते हैं। बाकी ये जैसे सामान था वैसे ही रख देते हैं, क्योंकि ऐसे अच्छी बात नहीं होती, तो हमने वैसे रख दिया है और इसकी थोड़ी सी हवा कम करते हैं फिर चलते हैं। तो दोस्तों अभी भाई पीछे ही वाले टायर की हवा कम की है तो अभी निकलते हैं। तो आज आपको जम्मू के रात के नज़ारे दिखाते हैं और चले यहाँ से आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अभी मैं वहीं पे हूँ
ये गुम्मट वाला पेट्रोल पंप है, तो यहाँ से थोड़ा चला के जाना पड़ेगा ऊपर की ओर। तो चलो, तो दोस्तों अभी मैं कुछ इस तरह की लोकेशन में पहुँच चुका हूँ और आप ये जो देख रहे हैं जम्मू बस स्टैंड की जो पार्किंग है ये, और यहाँ से होते मैं अभी पहुँच गया हूँ इंदिरा चौक पहुँच गया हूँ। तो यहाँ से मैं सिटी से होकर पूरा बाहर जाऊँगा। बाकी आप ये देखिए काफ़ी सुंदर हमारा जम्मू हो चुका है, ये पार्किंग है पूरी। और चलिए आगे चलते हैं हम। हाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि यार ये गियर वाला साइकिल नहीं है भाई, ये नहीं समझ लगी मैं गियर वाला साइकिल चला रहा हूँ, ये नॉर्मल जो साइकिल होता है ये वो है, मैंने कोरोना में लिया था। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं। तो देखो अभी चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है ये, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। तो हरी मार्केट से क्रॉस करके अब हम रघुनाथ मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। ये देखिए रघुनाथ मंदिर, जय श्री राम। और ये रघुनाथ मंदिर, तो हमें जाना है यहाँ से सीधा ऊपर जो सिटी चौक का रास्ता जा रहा है, भारत माता चौक। और दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं भारत माता चौक, और इस साइड है शालामार और इस साइड कनक मंडी। हमें जाना है सीधा ऊपर पुरानी मंडी वाली साइड। तो ये है सुपर बाजार की चढ़ाई, जो कि आप देख रहे हो कि साइकिल पे ही हूँ मैं, फ़ोन छोड़ देता हूँ नहीं तो पैर लग जाएंगे। तो अभी पुरानी मंडी ऊपर भी नहीं चढ़ा, फ़ोन की वजह से बैलेंस ख़राब हो गया और मोशन टूट गया। और ये जो लाइट है इसके बारे में बताऊँगा मैं आपको, इसमें बाकी बहुत सारे इफेक्ट हैं इसमें। तो जी पुरानी मंडी पहुँच गए और बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं पर बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, आगे दिखाता हूँ। तो अब आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा पसीना आया और मैं हनुमान मंदिर के पास पहुँच गया हूँ। कुछ इस तरह का नज़ारा है, ये है हनुमान मंदिर और ये है कसिनो, ठीक है, और यहाँ पे मंदिर है। तो चलिए इस साइड चलते हैं। तो जी अभी फाइनली चंडी माता मंदिर पकड़ा पहुँच गए, चलते चलते जय माता दी। और बाकी ये देखिए ये जो लाइट थी पहले प्लेन थी और अब ये फ्लैश हो रही है, मैं आपको दिखाऊँ दिखाता हूँ रुको। ओके दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊँ जो ये लाइट है, ये देखो ये लाइट है ना, अभी ऐसे ही है खाली टांग, आप इसे कहीं पे भी लगा सकते हैं, कहीं कुछ भी कर सकते हैं। ये देखो इसमें निकल भी जाता है, ये देखो सिंगल लो फ्लैश, इतनी बढ़िया लाइट है, अगर लेनी होगी तो मुझे मैसेज करना कमेंट करना, आपको बता दूंगा प्राइस इसका। और ये हमारे पास अवेलेबल है और बाकी पकड़ेंगे पहुँचे, बाकी चलते हैं ऊपर पाँच तीर्थ देखते हैं कहाँ तक जा पाएंगे। तो दोस्तों आप इसकी लाइट देख पा रहे होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट है और इसका ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, और बाकी काफ़ी लाइट है यार, इसकी फ्लैश भी है इसमें। और पाँच तीर्थ पहुँचने वाला हूँ इस समय, कितना समय हो रहा है 10:30 हो रहे हैं, वो यार पहले हवा भरन थी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और 10:30 बजे यहाँ पहुँच गया हूँ। तो आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं थोड़ा, अभी पाँच तीर्थी पहुँच गया हूँ। बाकी है यहाँ पे मशहूर दुकानें हैं और जिनका काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होता है, ये है कोली और एक पीछे भी थी। तो बाकी पाँच तीर्थी पहुँच गए हैं, तो यहाँ से अभी नीचे जाते हैं। हरिओम नमो पार्वती पते शिव हर हर महादेव। और ये है मेन चौक पाँच तीर्थी का। और अभी मैं यहाँ पहुँच गया हूँ ईस्ट साइड, जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे कच्ची छावनी है, पर हमें मांडे वाली साइड चलते हैं और यहाँ पे मस्जिद है, और यहाँ से इस साइड होके तो यहाँ पे पहले है करण नगर और उसके बाद जो कि मांडा रोड आ जाएगा। अभी यहाँ पहुँच गए हैं इस चौक पे और यहाँ पे साइकिल भी अवेलेबल है अगर आप चलाना चाहते हैं तो। बजरंगबली, जय बजरंगबली।
और अगर आप मोमो खाने के शौकीन हैं तो भाई आपको यहाँ पे डेफिनेटली आना ही चाहिए। यहाँ पे ना मोमो का यहाँ पे ना वो ये जो रेडी आप देख रहे हैं ये वाली, यहाँ पे बहुत बढ़िया मोमो मिलते हैं। तो जी अभी मांडा के पास पहुँच गया, वो जो है हागे चौक, वहाँ से राइड होना है। और मेरी कुछ इस तरह की हालत है, अगर गियर वाला साइकिल रहता है उससे तो काफ़ी आराम से हो जाता है, पर अगर आप भी वाला साइकिल चलाओ ना भाई, मैंने खाली पुरानी मंडी जो चल रहा था खाली वहाँ पे चला था पैदल, बाकी साइकिल ही चला कर आया हूँ। यार वो मोबाइल पकड़ लिया मैंने, इस वजह से थोड़ा बैलेंस ख़राब हो गया। बाकी ये है एरिया, और दोस्तों मांडा रोड के कुछ इस तरह के नज़ारे हैं जो कि आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पे ना लाइट नहीं थी और अब तो यहाँ पे जगमग हो गया, आगे तक है लाइट्स ना, जो आगे दरगाह है वहाँ तक लाइट्स हैं। तो कोशिश देखते हैं आगे चलें या नहीं, तो पहले थोड़ा सा पानी पियेंगे और फिर देखेंगे। तो जी मैं इस स्टॉप पे पहुँच चुका हूँ और आप ये सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो कि बोर्ड लगा है मांडा ज़ू। और थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको, एक यहाँ पे भी ना वॉक वे है, तो चलो पहले अपन बात करते हैं। और दोस्तों बात ये है कि अगर आप यहाँ पे साइकिल लेकर आते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया वॉक वे, और अगर वहाँ पे आप साइकिल लेके जाते हैं तो भाई आपके लिए समस्या बन सकती है, वहाँ पे लोग पीछे पड़ जाते हैं। पहले मैं व्लॉग बनाता नहीं था तो पहले मैंने बनाया नहीं, और आगे यहाँ पे हरि निवास है तो वहाँ पे अगर आप साइकिल लेके जाओगे ना तो भाई वो पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है भाई, वो बदतमीजी करते हैं ये लोग, तो किसी दिन ट्राई करेंगे तो आगे जाना चाहिए नहीं। चलो आगे देखता हूँ एक मिनट। जी यार अभी 10:50 हो गए हैं तो वापस चलना ही सही रहेगा क्योंकि अभी डिनर भी करना है। दोस्तों अभी मैं आगे थोड़ा देख रहा था, आगे एक्चुअली लाइट बंद है और लेट हो गया यार इसलिए। और बाकी गाड़ी कब से लगी है भाई, मुझे ना लूट लें ये लोग, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। तो बाकी ये कुछ नज़ारे हैं यहाँ पे, और आप ये देखिए सुंदर नज़ारे हमारे जम्मू के। तो दोस्तों किसी दिन मैं ऐसा करूँगा कि साइकिल पे ही आगे जाऊँगा, निवरोटा वाली साइड जाऊँगा और वहाँ से आपको सुंदर नज़ारे बताऊँगा। दोस्तों अभी चलते चलते रिहाड़ी पहुँच गए हैं, और बाकी ये रहा महिंद्रा, देखिए वाइट कलर की थार है यहाँ पे, किसने लेनी है तो भाई जल्दी से आगे बुकिंग करवा लो, वाइट कलर की काफ़ी सुंदर है। और अभी मैं पहुँच गया हूँ शकुंतला, ये पेट्रोल पम्प, और यहाँ से मुझे लेफ्ट होना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ही ये मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी, अगर आई है तो भाई प्लीज़ यही प्लीज़ ही बोल सकते हूँ, और क्या, शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, और प्लीज़ यार कमेंट तो कर ही दिया करो क्योंकि पता चल जाता है ना कि कौन कौन देख रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो आज तो मैं इतना ही घूम पाया, कल मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ से पूरा कवर करूँ, जो कि गांधीनगर तक ये पूरा कवर करूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या करना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए, आप सजेस्ट कीजिए। कल का व्लॉग मिस ना करें क्योंकि कल मैं मेन जो कि यहाँ पे जम्मू के अंदर बस स्टैंड रात को कैसा रश रहता है, तो कल अपन बस स्टैंड चलेंगे, तो आप बने रहना। और वेट 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 रुकता हूँ मैं, सब्सक्राइब करें शेयर कर दें। आज का व्लॉग इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये नई कोशिश जो मैंने जो नई है नया कुछ ट्राई किया है आपको पसंद आएगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ।
और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें, और जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगले व्लॉग के लिए बने रहिए और कमेंट करके बताएं आपको कैसा व्लॉग लगा। मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।